Now, Congress sources are telling Network 18 that the central party leadership is willing to give him another chance. Sachin Pilot and dissident MLAs have sought an appointment with Rahul Gandhi. The timing and date of the said meeting has not been decided yet. The rebel camp is also reported to be in touch with Party General Secretary K.C. Venugopal. Chief Minister Gehlot may also be softening his stand on his former deputy CM. He on Sunday appealed to MLAs to listen to the voice of people to save democracy and stand with the truth in the interest of people of the state. The Chief Minister is likely to seek a trust vote during the session. In a letter to all MLAs, Mr. Gehlot sought their cooperation in fulfilling the promises of development and prosperity of the state. Pallavi, I believe Bhavani is with us on the phone line. Pallavi continues to be with us as well. Bhavani, Sachin Pilot ke camp se aap kya kuch sun rahe hain? बात ऐसी की जा रही है कि शायद अशोक गहलोत सचिन पायलट को लेकर अपना स्टैंड सॉफ्टन कर रहे हैं. क्या जेन्युइनली यही बात है? क्योंकि जिस तरह के अपशब्द सचिन पायलट के लिए बोले गए हैं और चीफ मिनिस्टर ने ही उनको बोला है नकारा, निकम्मा एटसेट्रा, इस माहौल के बाद क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत में दोस्ती हो सकती है? क्या वो दोबारा साथ काम कर सकते हैं? देखिए, राजनीति संभावनाओं का गेम है और क्योंकि सरकार बचानी है. हालांकि इस पूरे मसले पर पिछले तीन दिन से ये कोशिश चल रही है और वेणुगोपाल जो संगठन महामंत्री है वो जैसलमेर पहुंचे थे. जैसलमेर उन्होंने राजस्थान कांग्रेस के सीनियर नेताओं से और कांग्रेस के कुछ विधायकों से वन टू वन बात की और इसी ऑप्शन पर बात की है. तो ये बातचीत लगातार चल रही. हालांकि जो अशोक गहलोत का गुट है, ज्यादातर नेता इसके खिलाफ है. कल उन्होंने जो विधायक दल की मीटिंग हुई सब भी उन्होंने कहा कि सचिन पायलट की किसी कीमत पर वापसी नहीं होनी चाहिए, उनको कोई भी वापस मौका नहीं देना चाहिए. अशोक लोग खुद भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आज की स्थिति में हालात ऐसे बन गए हैं अशोक लोग के सामने कि ऑप्शन उनके सामने भी ज्यादा नहीं है. मैं चाहते हुए भी सचिन पायलट को गले लगाना ही सबसे बड़ा ऑप्शन है उनके लिए सरकार बचाने का. बीएसपी के जो 6 MLA की जो तलवार लटकी हुई है, आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, कल राजस्थान हाईकोर्ट में हियरिंग है, और अगर इन 6 MLA के जो कांग्रेस के अंदर मर्जर है उस पर अगर रोक लग जाती है किसी भी तरीके से, उनके वोटिंग राइट पे फ्रीज करने की मांग की गई, अगर ऐसा हो जाता है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए सरकार बचाना काफी मुश्किल होगा. तब लास्ट एक ही ऑप्शन बचा है जिसमें सचिन पायलट से गले मिलना वही लास्ट ऑप्शन है, चाहे या नहीं चाहे. लेकिन ये इतना आसान अभी है नहीं, कोशिश की जा रही है और सचिन पायलट भी इतनी आसानी से तैयार नहीं हो रहे, लेकिन कह रहे हैं कि काफी जो रूप तैयार किया जा रहा है दोनों के बातचीत के लिए, प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है और राहुल गांधी खुद इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरे मामले को बैठाया जाए, भवानी डू स्टे ऑन विद अस. पल्लवी, यू हर्ड व्हाट भवानी इज सेइंग. ही इज सेइंग दैट द कांग्रेस इन राजस्थान रियली हैज नो ऑप्शन राइट नाउ. सचिन पायलट को गले लगाना ही पड़ेगा बिकॉज द मैटर ऑफ द 6 बीएसपी एमएलएज इज इन द सुप्रीम कोर्ट. इफ देयर मर्जर इज यू नो विद द कांग्रेस पार्टी इज हॉल्टेड, देन द गवर्नमेंट इन राजस्थान इज इन ट्रबल विदाउट सचिन पायलट. बट फॉर सचिन पायलट टू कम बैक विल नॉट बी ईजी आइदर. आई मीन लुक एट द सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट the party has said against him. Ashok Gehlot has called him nikamma nakara. Randeep Singh Surjewala, other members of the Congress party have called him a traitor. After all this bad blood, will Sachin Pilot be in a position to return to the party and more importantly return to Rajasthan? Just put it into perspective, the couple of things which are working from here. The way the Congress party works, it works top down. Any decision which is going to be taken is always going to be taken by the central leadership. The MLAs may be saying, and let's not forget, and I'm going to tell you things which are coming out of that meeting yesterday, and the top Congress leadership understands that, the political observers are also understanding that, that if Ashok Gehlot is left to himself, he wouldn't want Sachin Pilot to come back, neither... We'll try and establish our connection with Pallavi. She was on a Mojo kit and I think there are some audio problems. I wonder if we continue to have Bhavani on the phone line with us. Maybe we can go to him with a couple of questions. But for the moment, this is what we know and this is what is happening right now. The assembly session is on the 14th in Rajasthan. Before that, Ashok Gehlot has to ensure that he has the numbers. And as our reporter in Rajasthan is saying, he may have no choice
but to shake hands with Sachin Pilot to save his government. So let's see how that story works out and plays out in the coming days. But this is some breaking news now coming in.